नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम आप लोगों को ये बताते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो है मेटर लिखने का, यानी जो कस्टमर जब हमारे पास आता है तो हम मेटर उससे जब लड़के लड़की का नाम, उसके पिता, उसके जो भी रिलेटिव होते हैं उन लोगों का नाम हम किस तरह से शॉर्टकट में लिखते हैं, ऐसे जब जनरल लोग लिखते हैं तो वो कुछ अलग टाइप का हो जाता है और बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन जब एक प्रिंटिंग प्रेस वाला उस मैटर को लिखता है तो किस प्रकार लिखता है इसे आप देखकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हम मैटर उसे शॉर्टकट में लिखेंगे। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रवार अलग अलग मैटर लिखने का तरीका होता है, लेकिन जो हमारा जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से, या हमारे जो क्षेत्र का तरीका है उस तरीके के हिसाब से हम आप लोगों को आज ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी कस्टमर अगर आपके पास मैटर लिखवाने के लिए लाता है तो आप किस प्रकार उस मैटर को लिखेंगे सही सलामत। तो चलिए हम यहाँ पे कॉपी और कलम भी लेकर आए हैं और देखिए ये जो है ये पहले का जो मैटर लिखा हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है, लेकिन अब हम चलते हैं एक नए मैटर की तरफ। चलिए अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है, उसके कस्टमर के लड़के की शादी है, तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे जिसकी शादी होगी, यानी लड़के का शादी हो या लड़की का, सबसे पहले हम उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि लड़के का नाम हो गया मनोज कुमार। देखिए यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे मनोज कुमार। अब उसके पिता का नाम लिखना पड़ेगा नीचे, तो पिता का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं राजेश प्रसाद। चलिए देखिए यहाँ पे हम उसके पिता का नाम लिख देते हैं राजेश प्रसाद। चलिए अब हम लड़की का नाम लिखेंगे, जैसे लड़की का नाम हो गया तो लड़की के नाम में हम पहले इसमें कुमारी लगा देते हैं, बाद में कुमारी नहीं लगाया जाता है या उसका टाइटल भी दे दिया जाता है, तो कुमारी पुष्पा, यहाँ से हम पुष्पा उसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे उसके पिता का नाम हम लिख देंगे। अब उसके पिता का नाम मान लीजिए कि हो गया रमेश प्रसाद। हम रमेश प्रसाद ऐसे आप लोगों को केवल समझाने के लिए हम लिख देते हैं। अब जो मान लीजिए कि इस लड़के शादी है लड़के का, तो लड़की का जो भी आता पता होगा हम यहीं पे लिख देंगे। अब हम यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, तो ग्राम जैसे हम लिख देते हैं उसके ग्राम हो गया मोगल बिरैचा। फिर उसके बाद से हम इसका पोस्ट भी लिख देंगे, तो जो मोगल बिरैचा का ग्राम और पोस्ट दोनों सेम ही होता है, तो हम यहाँ पे प्लस का निशान दे देंगे और उसको इस तरह से हम लिख देंगे। फिर उसके बाद से थाना लिख देंगे, थाना हो गया ब्रौली। फिर उसके बाद से हम जिला लिख देंगे, अब जिला हो गया इसका गोपालगंज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये लड़की का जो भी है यहाँ पे इतना ही रहेगा, अगर लड़के लड़की का शादी वाला पार्टी आपके पास आया होता तो लड़का का नाम यहाँ पे आ जाता। अब हम लिख देंगे इसमें उसका प्रोग्राम, देखिए अब तिलक का जो भी डेट होगा, जैसे आज आप मान लीजिए कि 25/7/2019 आप लिख देंगे, और दिन आप जो भी होगा उस कैलेंडर को देखते हुए या जो भी लिखाएंगे उसको आप लिख देंगे। अब होता है एक हल्दी क्लस, आप यहाँ पे इस तरह से हल्दी क्लस लिख देंगे। अब मान लीजिए कि हल्दी क्लस 26 को हो गया, तो 26/7/19 हम लिख देंगे, 19 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा विवाह, अब हम विवाह को लिख देते हैं 27/7/19, और दिन भी हम लिखते चलेंगे ताकि दिन और डेट में हमें काफ़ी गड़बड़ होता है, इसलिए हम दिन हम उसी टाइम में जिस टाइम में हम मैटर लिखते होंगे उसी टाइम में दिन लिख देंगे, तो ये सही रहेगा, आप लोगों को मैटर बनाने में भी ये बिल्कुल आसानी रहेगा। फिर हम लिख देंगे विदाई या भींगी पल के भी होता है, तो हम 28 को विदाई लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे
घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आकांक्षी में नाम लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आकांक्षी में, यहाँ पे घर का जो गार्जियन होता है उसका नाम हम जैसे लिख देते हैं प्रभु प्रसाद। अब इनका आता पता भी यहीं पे लिख दिया जाता है, जैसे ग्राम हो गया इनका, तो ग्राम हम लिख देते हैं कहला, कहला हो गया। फिर पोस्ट लिख देंगे, पोस्ट भी इसका मान लीजिए यहाँ पे बिशुनपुरा हो गया, बिशुनपुरा। फिर यहाँ पे थाना हो जाएगा ब्रावली, फिर गोपालगंज जिला हो जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे और फिर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, हमारा जो भी मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लिख देंगे। अब उसके बाद से हम परिवार वालों का नाम लिखेंगे, उसमें हम कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आप अपने घर के परिवार वालों का नाम लिखवा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए संतोष कुमार हो गया, मंतोष कुमार हो गया, इस तरह से करते हुए जो भी उनके घर के परिवार के जितने भी मेंबर होंगे आप उनको लिखवा लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप स्वागतकर्ता भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया, हम लिख देंगे एवं सभी परिवार लिख देंगे। और उसके बाद से अगर स्वागतकर्ता है तो स्वागतकर्ता करते हुए यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी नाम होगा स्वागतकर्ता में। स्वागतकर्ता वैसे कस्टमर बोले तभी आपको लिखना है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और फिर इसको हम घेर देंगे। एक आता है यहाँ पे बाल आग्रह, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल का, तो बाल आग्रह में जैसे कि हम लिख देते हैं क्रिस। अब यहाँ पे इस क्रिस का इस लड़के से क्या संबंध है, यहाँ पे भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं चाचू, यानी मेरे चाचू की शादी में जुलूल आना, या इस तरह से उसको लिखा जाता है। अब चलिए, अब प्रेषक में अधिकांश ये होता है, जैसा कि हम प्रेषक कवर पे होता है तो या तो आकांक्षी वाले ही चले जाते हैं या यहाँ पे कोई अदर नाम भी हो सकता है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे मुकेश कुमार, ये कस्टमर आपसे जैसा बोलेंगे उस तरह से इसको लिखा जाता है। तो देखिए यहीं पर होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कस्टमर आए, उनके लड़के की शादी है, तो पहले आप लड़के का लिख लीजिए, या लड़की का है तो लड़की का लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो दूसरे का है, मान लीजिए कि जिसकी उसके साथ शादी होने वाली है लड़की की या लड़के की, उसका यहाँ पे हम इतना लिख देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख देंगे, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा। उसके बाद से दर्शना भिलासी, और उसके बाद आकांक्षी, और फिर प्रेषक में अगर मान लीजिए कि आकांक्षी वाला व्यक्ति ही प्रेषक में है तो प्रेषक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो अलग से अगर मान लीजिए कि प्रेषक है तो उनको आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आप स्वागतकर्ता चाहे तो लिख सकते हैं, उसके बाद से आप बाल आग्रह उनको बताएंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं, और बाकी का जो भी है आप कस्टमर का जो भी डिमांड है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ उन लोगों का अलग डिमांड भी होता है, जैसे कुछ सिटी वगैरह में होता है, वार्ड वगैरह भी लिखा जाता है। इस तरह से आप करते हुए उनका जो भी, लेकिन मोटा मोटी जो लिखने की प्रक्रिया होती है वो इसी तरह से लिखा जाता है, चाहे वो लड़के का शादी हो या लड़की का शादी हो। चलिए, अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को मोटा मोटी जो भी समझाना था तो हम समझा चुके हैं, और इसके बाद से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे पास कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा आप लोगों को एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मुस्लिम कार्ड का मैटर किस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, उसमें उर्दू का क्या क्या मान लीजिए कि शब्द होते हैं, किस तरह से उसे बनाया जाता है, अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पूरी तरीके से समझाकर। और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए, हम इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।